नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। इस वक्त का जो समाचार आ रहा है वो है लॉकडाउन से मिली कुछ राहत का। भारत में कोरोना वायरस का प्रकोप तेजी से फैलता जा रहा है। ऐसे में सरकार का मानना है कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर एक तरह का नियंत्रण बना लिया है, लेकिन इस वायरस की वजह से अब तक व्यापार पर काफ़ी असर पड़ा है, जहाँ अभी भी दुकानें सभी बंद हैं। इस बीच कुछ दिन पहले ही कई राज्यों ने छूट जरूरी सामान वाली दुकानों को खोलने की घोषणा की थी, जिसमें सब्जी, मेडिकल और दूसरी दुकानें शामिल थी। जबकि अब गृह मंत्रालय ने एक नए आदेश में शुक्रवार को कहा कि सभी संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जरूरी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए 50% कार्यबल के साथ दुकान और प्रतिष्ठान खोले जा सकते हैं। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि निगम क्षेत्रों से बाहर वाले इलाके में स्थित बाजार परिसरों की दुकानों को खोलने की इजाज़त दी गई है, लेकिन इन दुकानों में काम कर रहे कर्मचारियों को मास्क पहनने से लेकर सामाजिक दूरी समेत सभी तय दिशा निर्देश का पालन करना होगा। हालांकि इस छूट में बड़ी व्हीकल ब्रांड की मॉल वाली दुकानें शामिल नहीं है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के आदेश में कहा कि नगर निगमों के दायरे और उसके पड़ोस में स्थित सभी एकल दुकानों को बंद के दौरान खोले जाने की अनुमति होगी। हालांकि नगर निगम के दायरे में स्थित बाजार वाले स्थानों की दुकानें 3 मई तक बंद रहेंगी। यह छूट संक्रमण के अति प्रभावित इलाकों में नहीं दी गई है। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत पंजीकृत दुकानों को 50% कार्यबल के साथ खोले जाने की अनुमति दी। साथ ही कहा कि ऐसे प्रतिष्ठानों को सोशल डिस्टेंसिंग जैसी सावधानियों का पालन करना होगा। MHA की तरफ से कहा गया है कि यह आदेश कंटेनमेंट जोन में लागू नहीं होगा। इस बाबत जानकारी लेने श्री गंगानगर जिला कलेक्टर शिव प्रसाद मदन नकाते ने बताया कि आज शनिवार सुबह केंद्र सरकार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again.